हमारे लिए बहुत ही गौरव और खुशी की बात है कि आज हमारे बीच हिंदी की जानी मानी लेखिका प्रोफेसर सुषम बेदी जी उपस्थित हैं और वे भारत में रह जन्मी पली बड़ी होने के बाद अभी जो है फिलहाल कोलंबिया विश्वविद्यालय में मिडिल ईस्टर्न और एशियन लैंग्वेज लिटरेचर विभाग में हिंदी भाषा और साहित्य की प्रोफेसर हैं। ये और भी खुशी की बात है कि वे विदेश में रहने के बावजूद हिंदी भारत की धरती और हिंदी भाषा और साहित्य का प्रचार कर रही हैं। तो आज आइए हम जा उनसे एक छोटी बातचीत करते हैं और उनसे उनके जीवन के विविध अनुभवों पर संक्षेप में बातचीत करते हैं, क्योंकि भारत और दुनिया के विभिन्न देशों की उन्होंने यात्राएं की हैं, आई गई जाती रही हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका अनुभव बहुत ज़्यादा समृद्ध रहा है। तो सबसे पहले मैं और उन्होंने जो अभी 8 के करीब उपन्यास, जैसे जिनमें हवन भी है, मोर्चे हैं, कथा अमर बिल के जैसे चर्चित उपन्यास मैडम ने लिखे हैं और चील और चिड़िया और चील, कतरा दर कतरा जैसे कहानी संग्रह भी उनके आ चुके हैं। और 60 और 70 के दशक में वे बहुत सारे फिल्मों धारावाहिकों में वो नायिका बतौर नायिका भी काम कर चुकी हैं और टेलीविज़न और रेडियो की कमेंटेटर के रूप में भी वो काम कर चुकी हैं। तो हम उनके परिचय से ही जान सकते हैं कि उनका जीवन एक आयामी ना होकर बहुमुखी रहा है, बहुआयामी रहा है। और इस तरह के व्यक्तित्व को हम अपने बीच बार उनसे बातचीत कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इन दिनों मैडम जो हैं खड़गपुर की IIT खड़गपुर की यात्रा पर हैं और मुझे उन्होंने ये अवसर दिया है बातचीत करने के लिए, उसके लिए मैडम की मैं दिल से बहुत आभारी हूँ। तो आइए मैडम से हम एक बातचीत शुरू करते हैं। मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि विदेश में रहते हुए अभी आप वहाँ रह रही हैं, पढ़ा रही हैं, तो आप हिंदी की क्या स्थिति वहाँ देख रही हैं? हाँ, हिंदी की स्थिति की जहाँ तक बात है, मुझे हिंदी की स्थिति बेहतर होती हुई जान पड़ती है। वो इसलिए कि अब वहाँ पे बहुत सारे विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है और उसके अलावा जब से 9/11 हुआ 2001 में, तब से अमरीकी सरकार ने काफ़ी पैसा खर्च किया है जो लेस कॉमनली टॉट लैंग्वेजेस हैं, मतलब फ्रेंच जर्मन वगैरह तो खूब पढ़ाई जाती हैं वहाँ, लेकिन यहाँ की एशिया की कई भाषाएं जो वहाँ नहीं पढ़ाई जाती उनको लेस कॉमनली टॉट लैंग्वेज कहा जाता है और हिंदी उसी में आती है। तो उन हिंदी उर्दू इन सब भाषाओं के लिए फिर पैसा दिया गया, तो उसमें ही एक नया प्रोग्राम कुछ सालों से शुरू हुआ है, उसका नाम है स्टार्टॉप। और स्टार्टॉप में उन्होंने ये काम शुरू किया है कि कई तरह के समर प्रोग्राम्स हों, टीचर्स की ट्रेनिंग हो, क्योंकि अगर कई जगह भाषा के प्रोग्राम खोलेंगे तो उतनी ही टीचर्स की भी ज़रूरत होगी, तो टीचर को भाषा पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, उसके बिना सही भाषा नहीं पढ़ाई जाती। तो टीचर की ट्रेनिंग का उस तरफ खर्चा किया और अब ये हर साल ही कुछ ना कुछ ट्रेनिंग दी जाती है। और यहाँ तक कि हिंदी उर्दू पढ़ाने की जो मेथडोलॉजी है उसमें एक MA भी अभी की यूनिवर्सिटी में न्यूजर्सी में शुरू हो गया है, तो काफ़ी हद तक विकास हो रहा है हिंदी का, क्योंकि स्कूलों के स्तर पर भी हिंदी का नियमित प्रोग्राम तो स्कूलों में नहीं है, वो केवल यूनिवर्सिटियों में है, लेकिन हिंदी के नियमित प्रोग्राम इस तरह से हैं कि संडे स्कूलों में वहाँ के जो लोग हैं वो हिंदी पढ़ाते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी पढ़ाने के काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं और ज़्यादा बच्चे भी आ रहे हैं इन प्रोग्रामों में और सीख रहे हैं हिंदी, तो वहाँ तो ठीक है, अच्छा चल रहा है। चलिए, हिंदी की स्थिति काफ़ी बेहतर है।
तो मैम अभी जो है ये बात उठ रही है वर्तमान समय में कि हिंदी की स्थिति काफी सुधर रही है और हिंदी को विश्व भाषा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि जिस तरह से हिंदी के विश्व भाषा बनने की बात सोची जा रही है और जिस तरह से एक भाषा को के लिए आमतौर पर माना जाता है कि राजनीतिक संरक्षण के बिना भाषा जो है आगे नहीं बढ़ सकती है, तो क्या जिस तरह से अंग्रेजी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तो क्या आपको लगता है कि हिंदी के साथ भी इस तरह के राजनीतिक संरक्षण की जरूरत है या हिंदी अपने दम पे बहुत आगे बढ़ रही है? भाई, विश्व भाषा बनना कोई आसान बात नहीं है। देखिए, विश्व भाषा बनाने के लिए 2007 में, मतलब यूएन की बात कर रही हूँ, 2007 में न्यूयॉर्क में एक विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था और उसका मकसद यही था कि यूएन में हिंदी का इस्तेमाल हो। तो बात ये है कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि यहाँ पर लोग अंग्रेजी बोलते हैं और बिना हिंदी को जाने लोगों का काम चल जाता है। अगर बिना हिंदी जाने लोगों का काम चलता है तो बाहर के जो लोग हैं वो इतनी मेहनत क्यों करें कि वो हिंदी सीखें? अब चीन में उनका काम नहीं चलता, जापान में उनका काम नहीं चलता, तो वो चीनी भी सीखेंगे, जापानी भी सीखेंगे, लेकिन भारत में काम चल जाता है। हर जगह उनको लगता है कि अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं। तो जब तक भारत में हम हिंदी को प्रधानता नहीं देंगे और उसे मुख्य भाषा का दर्जा नहीं देंगे और हर तरह से उसका इस्तेमाल, सही भाषा का इस्तेमाल, इंग्लिश नहीं, भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा, बाहर फिर उसकी स्वीकृति कभी नहीं होगी। क्योंकि बाहर जो भाषाएं जिनको यूएन वगैरह में विश्व की भाषा के तौर पर जगह मिली है, हिंदी को बहुत कोशिश करने के बाद भी वो जगह इसीलिए नहीं मिली कि हिंदी के बिना काम चल जाता है सबका। यानी आप मानती हैं मैडम कि पहले अपने यहाँ ही इसको मजबूत करने के बाद है, तब जाकर हम विश्व स्तर पे उसकी स्थिति और मजबूत कर पाए। हाँ। शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। अच्छा मैम, मेरा अगला प्रश्न ये है कि आप तो अलग अलग कामों से जुड़ी रही हैं, मीडिया के भी बहुत करीब रही हैं, स्त्री लेखन भी आप करती रही हैं, तो आपको टेलीविजन, साहित्यिक लेखन, रचनात्मक लेखन, रेडियो से, तो इन माध्यमों में कौन सा माध्यम आपको लगता है कि आपके मन के ज़्यादा करीब रहा है, जहाँ अभिव्यक्ति के मामले में, संप्रेषणीयता के मामले में आप ज़्यादा उन्मुक्त तौर पर खुलकर कोई भी बात कह पाते हैं? बात ये है कि ये सारी स्थिति परिस्थितियों की है। जैसे कि यहाँ पर मैं अभिनय करती थी और लेकिन मेरे मन में हमेशा रहा कि अभिनय की उस मेरे ज़माने में उतनी इज्जत नहीं थी। और ये बाद में जाके हुआ है कि अच्छे घरानों की लड़कियाँ अभिनय के लिए फिल्मों में या जहाँ भी जा रही हैं, अभिनय एक तरह से देख ठीक से नहीं, मतलब पीपल लुक डाउन एट इट। तो शायद एकेडमिक्स में मुझे लगा कि एक ज़्यादा इज्जत है। तो मेरे पिता ने मुझे इस और ज़्यादा जाने में एक तरह से मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं पढ़ने लिखने में अच्छी हूँ तो मैं उस तरफ लगूँ। फिर भी मैं अभिनय करती रही कि मुझे शौक था। और जब मैं बाहर गई, मैं हिंदी में यहाँ नाटक करती थी, तो बाहर जब मैं गई तो वहाँ पे नाटक करने का कोई शुरू में तो कोई मौका मिला नहीं मुझे। तो धीरे धीरे काफ़ी साल होने के बाद मुझे इस तरह के मौके लगे। और फिर मेरी बेटी पुरवा, वो बड़ी हुई तो वो अभिनेत्री बन गई। और एक तरह से कई बार ऐसा होता था कि उसके लिए माँ की भूमिका की ज़रूरत होती थी और कई बार मैंने माँ का रोल किया। और फिर धीरे धीरे लोग जान गए। फिर उसका जो एजेंट था
उसने मुझे भी भेजा एक जगह काम के लिए, और इस तरह से मैं वहाँ के टेलीविजन वगैरह में, फिल्मों में और सब में और आने लगी। तो वो एक, पर वो सब काम अंग्रेजी में हुआ, है ना। अब हिंदी में नाटक तो वहाँ मैं नहीं करती, पर करती काफ़ी हूँ, साल में एक दो तो ज़रूर कर लेती हूँ, उतना नहीं करती जैसे हम यहाँ करते थे, लेकिन वो हिस्सा मेरा एक तरह से संतुष्ट है अभिनय का। तो देखिए, कोई भी विधा जो है, कला की कोई भी विधा अच्छी या बुरी तो नहीं होती, लेकिन मेरे मन के करीब लेखन इसलिए हुआ कि जब मैं विदेश में गई तो ख़ास तौर से मुझे अकेला वक्त बहुत मिलता था, और उसमें लेखन करके, और मेरे पास एक तरह से अभिव्यक्ति का एक ही माध्यम रह गया था। खासकर शुरू के वर्षों में नाटक तो मेरे पास था नहीं, तो अभिव्यक्ति का एक ही माध्यम रह गया था, और वो माध्यम यही था कि मैं किसी तरह से अपने आप को लेखन में ही ढालूं, और लेखन का पैशन मेरा नवी जमात से था। मतलब ये कि मुझे लेखन भी अच्छा लगता था और मुझे अभिनय भी अच्छा लगता था, लेकिन वहाँ जाके मेरा लेखन तो बच गया मेरे पास, क्योंकि लेखन तो घर की चार दीवारी में होता है, तो मैं आराम से बैठ के लिखने लगी, मुझे वक्त मिलने लगा। जब मैं भारत में थी तो मुझे वक्त ही नहीं मिलता था, एक जिसे कहते हैं ना सोशल इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, सोशल इंटरफेरेंस हर वक्त होती है, खासकर आपकी शादी हो जाती है तो ससुराल वालों के साथ भी समय बिताना होता है, घर वालों के साथ भी समय बिताना होता है, अपने घर को भी देखना होता है, तो आदमी को कभी वक्त नहीं मिलता, कोई ना कोई रिश्तेदार आता रहता है। वहाँ जाके मैं इन सब चीज़ों से बची, तो मेरे पास बहुत वक्त होता था लिखने का। तो जो लेखन मुझसे बिछड़ा हुआ था यहाँ पे, वो फिर से मेरे करीब आ गया, और मुझे मेरा एक तरह से जो लेखन है वही मेरे आत्म के अब बहुत करीब है। तो जब कभी चुनाव होता है लेखन का या अभिनय का, जैसे अभी यहाँ आने से पहले भी एक चुनाव था, एक फिल्म में मुझे रोल मिल रहा था, लेकिन मुझे यहाँ के लिए आना था तो मैंने उसके लिए ना कर दी। इसी तरह पिछली बार भी मैं भारत आई थी दिसंबर में, जब तब भी यही हुआ था और मैं नहीं गई। तो मतलब जब चुनाव की बात होती है तो मैं लेखन को चुनती हूँ और अभिनय को कम चुनती हूँ। आप साहित्य के प्रति प्रेम जो है आपका ज़्यादा करीब है, हाँ। इसलिए जो है आप हमेशा लेखन को प्रायोरिटी देती हैं। अच्छा मैम, जब आप कह रही हैं, क्योंकि लंबे समय से आप उस जमाने से, जिस जमाने में स्त्रियों को इतनी मुक्त आज़ादी नहीं थी कि वो खुल कर बाहर निकल सके, घर के चार दीवारी के भीतर उन्मुक्त होकर काम कर सके, अब उस दौर में जो है एक स्त्री होने का होकर जो है इन सारी माध्यमों से जुड़ी, तो क्या आपको कहीं ऐसा महसूस हुआ कि एक स्त्री होने के नाते कहीं सब बाहरी दुनिया में कहीं मुझे दबाया जा रहा है, कहीं मेरे शोषण किया जा रहा है, कहीं किसी स्तर पर आपको जैसे मैं आप आपके वक्त में सब लोग आपसे वक्त मांगेंगे, है ना, घर के लोग, आपके ससुराल के लोग, आपके मायके के लोग। मुझे ये लगता है कि बहुत बार मुझे परिवार से अपने आप को बचाना पड़ा। मेरे पति मेरे साथ मेरे लेखन को हमेशा बहुत सपोर्ट करते रहे। ये अच्छी बात थी कि जैसे मैं लिख रही हूँ और खाना नहीं बनाया, तो यह नहीं कि उन्होंने मुंह सुझा लिया कि तुमने खाना नहीं बनाया, वो कहेंगे अच्छा लिखा तुमने, ठीक है हम बाहर खा लेंगे। तो उससे मुझे बहुत मदद मिली। पति का साथ होना बहुत ज़रूरी है, मतलब जो भी आपके घर के लोग हैं, अगर आप माँ बाप के साथ रहते हैं तो उनका साथ होना ज़रूरी है। लेकिन मुझे जब तक मैं एक तरह से मेरा उपन्यास नहीं प्रकाशित हुआ और मैं खाली
कहानियाँ इधर उधर छपी, मतलब कोई मेरा नाम नहीं था लेखिका के रूप में। तब तक स्ट्रगल बहुत करना पड़ता था लिखने के लिए, लेकिन ज़्यादातर मैं लिखती अकेले में लिखना पसंद करती हूँ। तो ख़ास तौर से जब मेरे पति जाते थे टूर्स पर, तो या मिनिस्टर आया है तो मेरे पति बहुत बिजी हो गए पूरा पूरा दिन के लिए, तो मैं फिर कहानियाँ तब लिख पाती थी। तो समय मुझे हमेशा चाहिए होता था। मुझे घर में जब मेहमान आते थे, ठीक है, मुझे भी अगर मेरी सास हैं उनको अच्छा नहीं लगता था कि मैं अपने साथ वक्त बिता रही हूँ और उनको नहीं देख रही हूँ, उनको लगता था मैं उनको इग्नोर कर रही हूँ, उनको चोट लगती थी इस बात से। तो मुझे ये समझाना बड़ा मुश्किल लगता था कि लिखना मेरा पैशन है, मैं अगर मैं उसके साथ वक्त नहीं गुजारती हूँ तो मैं भी फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ और मैं खुश नहीं रह पाती। तो बाद में उनको भी समझ में आ गया, लेकिन ये दूसरों लोगों के लिए तुम्हारी जो अंदरूनी ज़रूरत है लिखने की, उसे समझना मुश्किल होता है। तो इसलिए एक तरह से औरत को, और मैं हमेशा कल के लेक्चर में भी यही कहती रही हूँ कि अपने आप को बताना होता है कि वो क्या चाहती है ज़िंदगी में, उसे अपने आप को भी जानना होता है। और अगर उसकी कोई पैशन है तो उसे उस पैशन को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि वो अपने परिवार को देगी। तो फिर उसे उसमें संतुलन बिठाना पड़ता है, तो बिठाएगी। अच्छा, 9 बजे आपको नाश्ता तैयार करना, आप सुबह 6 बजे उठ जाइए, 5 बजे उठ जाइए और अपना लेखन का काम करिए। तो इस तरह से कुछ ना कुछ मैं यही करती थी कि दिन में मैं, बच्चे हैं, पति हैं, घर की देखभाल है, और वहाँ तो कोई नौकर चाकर नहीं होते, लेकिन मैं कई बार रात को अगर मेरे दिमाग में कुछ घूम रहा है लिखने का, तो मैं अपना उठ के बैठ जाती थी आके अपने दूसरे कमरे में और अपना लिख लेती थी। इसी तरह जब सब लोग बच्चे स्कूल चले गए, पति दफ्तर चले गए, तो मैं इसी तरह अगर घर में रिश्तेदार हैं और मुश्किल है कुछ भी काम करना, तो मैं लाइब्रेरी में चली जाती थी। जैसे पहला उपन्यास जो है वो भी स्ट्रगल का था ना, क्योंकि तब तक तो मेरा नाम लेखिका के तौर पे तो जाना नहीं जाता था। तो हवन मेरा जो है वो मैं एक्चुअली बहुत रो रो के लिखा कि मुझे होता था मैं ख़त्म करूँ इसको, और घर में मुझे वक्त नहीं मिल रहा था, तो मैं फिर लाइब्रेरी चली आती थी और लाइब्रेरी में बैठ के अपना, जैसे कि कुछ काम करने जा रही हूँ, अपना लाइब्रेरी में बैठ के अपना लिख के और आ जाती थी। तो लेकिन यह है कि मेरे अंदर पैशन था, और मुझे ये था, मुझे मेरी किसी सहेली ने ही कहा था कि अगर तेरे लिए लिखना इम्पोर्टेंट है तो तू अपने लिए वक्त निकाल, नहीं तो कोई भी तुझे वक्त नहीं देगा। तो हर लड़की को अपने आप को जानना जरूरी है कि वो चाहती क्या है, और उसी हिसाब से वो फिर अपने आप को अपने को समय दे। मैं बताना चाहूँगी कि मैडम का, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि जीवन तो बहुआयामी रहा है, एक स्त्री होने के बाद आमतौर पे पुरुष जो है दो ही भूमिका में रहता है, वो घर में काम और बाहर की दुनिया में वो काम करता है और घर में जो है बाल बच्चों को देखता है। लेकिन एक स्त्री के लिए घर संभालना, बाहर की दुनिया, दोनों में संतुलन बैठा कर अपने लिए एक विकास की यात्रा, लंबी यात्रा तय कर पाना कई बार बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ मैडम ने उन दोनों चीज़ों को साध कर, विकास को, शिक्षा को, बतौर नायिका मीडिया की दुनिया को, सब में संतुलन बैठा कर बहुत काम जो किया है, वो सच में मैडम जो है दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और कल मुझे जो है मैडम को विद्यासागर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एक विशेष व्याख्यान के तौर पे मैंने मैडम को आमंत्रित किया था, और मैडम जो है सहर्ष मेरा आमंत्रण स्वीकार करके यहाँ आई भी, और उन्होंने जो है वैश्विक परिदृश्य और स्त्री चिंतन पर उन्होंने जो अपना विशेष व्याख्यान रखा वो सच में बहुत ही लाभान्वित था, बहुत ही इंटरेक्टिव था, हमारे बच्चे भी काफ़ी उत्साहित हुए। तो मैडम मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगी कि आपको बाहरी दुनिया में क्या स्ट्रगल, एक स्त्री के रूप में बाहरी दुनिया में काम करते हुए आपको क्या कभी कोई संघर्ष का सामना करना पड़ा? हाँ हाँ, बाहर कोई आसान नहीं है, बाहर भी पुरुषों की दुनिया है। और मैं तो चूंकि एक पत्नी का रोल भी निभा रही थी घर में,
तो मैंने एकेडमिक्स में जिस तरह के स्ट्रगल करने पड़ते हैं उनसे अपने आप को परी रखा कि मैं लेखिका हूँ तो मुझे उस चक्कर में नहीं पड़ना है ना। लेकिन वहाँ पर एकदम कलाकार प्रतियोगिता रहती है और उसमें औरतें भी बहुत एग्रेसिव होती हैं, आदमी भी एग्रेसिव होते हैं, लेकिन आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं वहाँ पे आदमियों की संख्या ज़्यादा होगी और औरतों की संख्या कम होगी, क्योंकि वो आदमियों का ज़माना है तो आदमी आदमी को सपोर्ट करते हैं। कॉरपोरेट सेक्टर में जाइए वहाँ भी, और वहाँ तो ये भी है कि पुरुषों की तनख्वाह औरतों से ज़्यादा होती है, औरतों की तनख्वाह कम होती है, पुरुषों की तनख्वाह ज़्यादा होती है कॉरपोरेट सेक्टर में, क्योंकि वो मानते हैं कि जो औरतें हैं वो तो पूरा काम कर ही नहीं सकती क्योंकि उनको घर से लगाव होता है, घर की देखभाल करनी होती है। और एक और बड़ी चीज़ है, आपको मालूम है यहाँ आपका अगर आप बच्चा नहीं चाहती आप अगर लेकिन गर्भवती हो गई तो आप अबॉर्शन आराम से जाके करवा लीजिए, ये कोई रूल नहीं है कि आप नहीं करवा सकती, वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पे बड़ी मुश्किल है। आपको मालूम है वहाँ पे एक कुछ डॉक्टर जो मदद करते हैं, ऐसे शहर भी हैं वहाँ पे कि उनके क्लिनिक पर हमला हुआ कि आप लड़कियों के अबॉर्शन क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ के कुछ लोग हैं जो बड़े कंजर्वेटिव हैं, मतलब क्रिश्चियन कंजर्वेटिव हैं, क्योंकि जो कैथोलिक्स हैं वो इसी में विश्वास रखते हैं कि भगवान ने अगर तुम्हें बच्चा दिया है तो आप उस भ्रूण मतलब जो हत्या है वो बहुत बड़ी हत्या है, वो बड़ा पाप है, आप वो नहीं कर सकते। तो ये लोग धर्म के नाम पर हर जगह झगड़े होते हैं, तो धर्म के नाम पर वो औरतों को अबॉर्शन नहीं करने देते और वो इस तरह का रूल नहीं, क्योंकि अबॉर्शन नहीं करने देते का मतलब ये है कि अगर औरत अबॉर्शन करना चाहती है तो उसकी जो इंश्योरेंस है वो पे नहीं करेगी, उसको प्राइवेट ही कराना पड़ेगा और इतना पैसा देना पड़ेगा, बाकी चीजें इंश्योरेंस पे करती है, लेकिन वो रूल नहीं बनने देते कि इंश्योरेंस पे करे, है ना। तो कई तरह के झगड़े वहाँ पे औरतों को लगातार करने पड़े, लेकिन वो धीरे धीरे विजय पा रही है और उम्मीद है कि ये अबॉर्शन वाला किस्सा भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि यंग लड़कियों को इनकी जरूरत पड़ती है। तो ये भी एक तरह, तो कई तरह के अनाचार हैं जो लगातार वहाँ भी औरतों पर होते रहे हैं, लेकिन ये है कि वहाँ घरों में आदमियों ने सीखा है काफी घर के कामों में भाग लेना और एक तरह से उस तरह का सहयोग पुरुष और नारी में बहुत होता है। मैं अपने बच्चों में भी देखती हूँ कि अगर मेरा दामाद खाना बना के हमको खिला देता है और मतलब वो भी खाना बना देता है और बिटिया सफाई कर देगी या कुछ और बच्ची का देखभाल कर रही है, तो इसमें ये नहीं है कि वो ये काम नहीं कर सकते। मेरा बेटा भी पूरी मदद करता है बच्चों को संभालने में और वहाँ के लड़के सभी करते हैं, जबकि हिंदुस्तान के जो लड़के हैं कई बार वो पैदा होके उनकी माँ ने जिस रंग में पाला होता है घर के काम की उनको आदत नहीं होती, तो कई तो वहाँ जाके सीख लेते हैं जो, लेकिन जो वहाँ लड़के बड़े हो रहे हैं वो सभी बड़े फेमिनिस्ट हैं, वो उनकी उन सभी की औरतों से हमदर्दी है ज़्यादातर की, और जो हिंदुस्तानी बच्चे हैं वो इस बात को सीख रहे हैं कि हमें मिलजुल के काम करना है, और वरना प्यार भी कैसे बढ़ेगा अगर लड़की के मन में ये आ रहा है कि ये मैं तो काम करती रहती हूँ और ये अपना मजे करता है, तो वही प्यार भी तो कम होता है ना, खलल होता है, झगड़े होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ वहाँ के सभी जो है अमरीकी लोग भी हैं पर तो मतलब कई कई संघर्ष अभी भी उनके बाकी हैं और तनख्वाहें एक सी हों, इस तरह की चीज़ें हों, सब और इस तरह का इसी तरह मिलिट्री में
जो आर्मी ज्वाइन करती हैं लड़कियां, तो सेक्सुअल हरासमेंट बहुत होती है। ये भी एक वहाँ भी कई औरतें अपने प्रमोशन के चक्कर में चुप रहती थी, तो अब सामने आ रही है कि ऐसा क्यों हो। लेकिन क्या भारत में भी महिलाओं की सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियां हैं, वो विदेशों में भी, जैसे दुनिया के अन्य देशों में भी, वो क्या सारी स्थितियां कमोबेश बराबर हैं? सभी जगह, अब जैसे अफ्रीका में और भी खराब स्थिति होती है, जहाँ मतलब छोटी बच्चियों का ऑपरेशन कर देते हैं और कि वो यौन सुख ही ना ले सकें, क्लाइट्रस काट देते हैं उनका। तो सारी दुनिया में अलग अलग तरह से औरतों पे अत्याचार होते रहे हैं। सारी दुनिया में स्त्रियों के शोषण का इतिहास एक ही है, कमोबेश ही है, चाहे हम उसके रूप अलग अलग रूप अलग अलग है, बिल्कुल समस्याएं सभी जगह पर आए एक है, चाहे हम। लेकिन पश्चिम में औरत ने संघर्ष करके अपने लिए बहुत आजादी कमा ली है, जो और देशों की औरतें अभी नहीं कर पाई, मतलब चीन जापान की औरतें भी नहीं कर पाई और भारत की भी औरतें भी नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ संघर्ष जारी है, है ना, और वहाँ पे काफी हद तक उनको मिल गया है। लेकिन जैसे कि मैंने अमरीका की कहानी सुनाई कि अबॉर्शन के लिए उनको पैसे नहीं मिलते हैं, इंश्योरेंस नहीं देती, तो इस तरह के रूल्स बन रहे हैं। मतलब ये तो हर देश में अलग अलग तरह के इश्यूज हैं। ये भी होता है कि कई औरतें ये महसूस करती हैं कि पति उनकी मदद नहीं करते, लेकिन वो काम सारा वही संभालती हैं। और तो और वहाँ पे घरेलू हिंसा के बड़े किस्से हैं, भारत की तरह हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस के बड़े किस्से हैं। और डोमेस्टिक वायलेंस होते हुए जो औरत है, पढ़ी लिखी औरत है, लेकिन वो सहती है, वो छोड़ना नहीं चाहती पुरुष को, तो कई तरह के मुद्दे वहाँ भी पैदा होते रहते हैं। मैडम आपको क्या लगता है कि भारत पश्चिम के देशों में, जैसा कि आपने बताया, महिलाओं ने संघर्ष करके लिए काफी आजादी अपने लिए कमाई है, लेकिन भारत की और भारत में ये स्थितियाँ नहीं बन पा रही। एक लंबी यात्रा तय कर ली आजादी के पहले और आजादी के बाद, हमने एक लंबा वर्ष बिता दिया, लेकिन वो स्त्री विमर्श, स्त्री प्रासंगिकता, और वो ही अब जब नैनो टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, जब एक चीज में पूरी दुनिया समाहित हो रही है, हम चांद पे पहुंच रहे हैं, महिलाएं आकाश छू रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो स्त्रियां जो हैं आज भी, अधिकांश स्त्रियां, मुट्ठी भर स्त्रियां हैं जो विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रही हैं, चाहे खेल जगत में हम देखें, राजनीति में देखें, आर्थिक क्षेत्रों में हम देखें, लेकिन वो गिनी चुनी नाम है, महिलाएं आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कारण है कि बाकी स्त्रियां जो हैं आगे नहीं आ रही हैं, भारत में संघर्ष की स्थिति नहीं बन पा रही है जो उनके लिए विकास का रास्ता दे सके, तय कर सके? बात यह है कि भारत में कई सदियां एक साथ रह रही हैं, तो यहाँ पे बहुत पारंपरिक लोग भी हैं जो महिलाओं को विकास का उतना मौका नहीं देते, और यहाँ पे जो अब जो औरतें बहुत बड़े बड़े काम कर गई, हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर भी औरतें हो गई, इंदिरा गांधी हो गई, क्योंकि वो बेटी थी नेहरू की। तो जो भद्रलोक की महिलाएं हैं, जो एलीट वर्ग है हमारा, तो उनको मौके ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए वो बड़े बड़े वो लोग मिनिस्टर भी रहती हैं और सब तरह के दूसरे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ती हैं। लेकिन जो एक आम तबका है उसमें तो औरत को कई बातें हैं, कई बार जो परिवार हैं वही आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, तो वो औरतों की मदद नहीं कर सकते। अभी भी आप देखेंगे कि भ्रूण हत्या तक होती है यहाँ पे, और लोग ज़्यादातर जो लड़कियाँ हैं उनको कम खाना देते हैं लड़कों को ज़्यादा, क्योंकि उनके उनका अपना आर्थिक जीवन जो है वो संपन्न नहीं है। तो स्कूल, अगर अंग्रेजी स्कूल में भेजना होगा, अच्छे स्कूल में भेजना होगा, फीस वाले स्कूल में, तो वो लड़के को भेजेंगे और लड़की को सरकारी स्कूल में भेजेंगे। इसी तरह स्कूल भेजेंगे ही नहीं, घर का काम कराएंगे। तो ये जो जब तक आर्थिक संपन्नता भी नहीं हमारे देश में आ जाती, तो आप सिर्फ परंपरा को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि परंपरा से मुक्त कैसे हों
लोग, जब तक कि उनमें आर्थिक खुशहाली नहीं आती, तो वो भी एक हमें जो अपने समाज को बिल्कुल, जो यहाँ के बिल्कुल निचले तबके के लोग हैं वहाँ से उनको उठाना है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र करना है, तभी वो और चीजों के बारे में भी सोच सकेंगे, जिससे खाली रोटी कर, जुगाड़ करने के लिए ही अपने संघर्ष में लगे रहते हैं, वो विकास की, आत्म विकास की बात कैसे सोच सकते हैं। यानी स्त्री को यहाँ बहुत सारे स्तरों पे जूझना पड़ रहा है, अब एक मनुवादी चिंतन से लड़ना, दूसरी आर्थिक आर्थिक आधार भी बहुत मजबूत नहीं है, तो वहाँ विकास का रास्ता कैसे वो तय कर सकती है। यानी स्त्री को आगे बढ़ना है तो शिक्षा और के साथ साथ उसके पास धन भी होना चाहिए। हाँ, जैसा कि यशपाल ने झूठा सच में पहले ही कह दिया था ईश्वर कि शिक्षा भी बिना धन के अर्जित नहीं की नहीं आती है। यानी हमें स्त्रियों को शिक्षित करना है तो हमें उसके लिए एक आर्थिक आधार भी हमें उसे देना पड़ेगा, नहीं तो घर का काम करती रहेंगी। यहाँ तक कि लड़के भी, मैं तो अभी बनारस में थी तब भी वो लड़के अभी भी वो वीविंग वगैरह कर रहे थे, ठीक है वो सीख रहे थे, लेकिन उनको स्कूल जाना चाहिए, लेकिन वो स्कूल नहीं जाते थे। तो मुझे लगा कि अभी भी एक तरह से लोग इस बारे में बहुत सजग नहीं है कि बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। और ज़्यादातर लोग, मैंने गाँव में बुरे हाल ही देखे हैं कि लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेजते और कि वो खेतों में काम करें या घर में काम करें, और कि हमारे पास वक्त नहीं है बच्चों को पढ़ाने का। तो उनकी आर्थिक हालत इतनी ख़राब होती है कि वो इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाते। तो हमें विकास तो वहाँ से जड़ों से करना है, वहाँ से उठाना है लोगों को। कई जगह हो रहा है लेकिन बहुत थोड़ा, बड़ी धीमी गति से। मैम आपने तो बहुत लंबा समय जीवन के सातवें वसंत में आप हैं, तो आपने अपने समय से आज के समय में स्त्री जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं आप उसको किस रूप में देखती हैं? ये मैं सोचती हूँ कि जो बदलाव आ रहे हैं वो बहुत ही सकारात्मक हैं, बहुत अच्छा हो रहा है कि लड़कियाँ एक तो पढ़ रही हैं और अपने आप को एक तरह से असर्ट भी करने लगी हैं, वो क्या चाहती हैं। और जितनी लड़कियां नौकरियों में आ रही हैं, काम कर रही हैं बाहर, और अपने विकास के बारे में वो क्या चाहती हैं इसके बारे में भी सजग हैं, तो हमारे वक्त से लेकर अब तक तो बहुत अंतर आ गया है हमारे भारत के समाज में। और मैं देखती हूँ जिस तरह से शहरों में लड़कियों में फर्क आ गया है, छोटी जगह पे भी, छोटे जो शहर हैं वहाँ भी अंतर आ रहा है। और ये सब कुछ जो है, एक तो शिक्षा के माध्यम से हो रहा है, दूसरा मीडिया भी इसमें काम करता है, मीडिया में भी खबरें आती हैं, लोग सजग होते हैं, सुनते हैं। फिल्मों में भी बदलाव आ रहे हैं, वो बॉलीवुड वाली वो फिल्में तो अब नहीं बनती हैं, अब समस्याओं को लेके, औरतों की समस्याओं को लेके फिल्में बनती हैं, और तभी औरतों को, औरतें सजग होती हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। तो अब भारत में ठीक है, हर तबके का विकास नहीं हुआ, लेकिन जो मध्यवर्ग की महिलाएं हैं और उच्च वर्ग की महिलाएं हैं और कई निचले वर्ग की भी, आर्थिक संपन्नता जिनमें नहीं रही, उन्होंने भी बहुत तरक्की की है ना। तो जैसे वो इला ने वो सब्जी वालियों को भी संगठित करके, और वो अपना अपना धंधा शुरू करती हैं, अपना काम शुरू करती हैं और कमाती हैं। तो अगर आपके पास आर्थिक संपन्नता है तो आप अपने आप को असर्ट भी कर सकते हैं, आपको दूसरे की धौंस सहने की जरूरत नहीं है, चाहे वो पुरुष हो या जो भी हो, किसी की धौंस सहने की जरूरत नहीं। तो उस तरह से भी आर्थिक संपन्नता आ रही है, औरतें नौकरी कर रही हैं, तो उनका विकास तो हो ही रहा है ना। वो अपने आप को और ज़्यादा असर्ट करती हैं, और जो वो चाहती हैं बताती हैं कि मैं ये चाहती हूँ, तो आप मुझ पर किसी तरह का अत्याचार या अनाचार नहीं कर सकते। तो औरत की आवाज़ जो है, औरत के मुंह में अब आवाज़ आ गई है जो पहले नहीं थी,
वो शर्मातली और चुप रहने वाली औरत नहीं रही, वो बोलने लगी है, अपनी इच्छाओं को, अपने मत को कहने लगी। अच्छा मैडम, आपने कहा मीडिया की भूमिका, हम देखते हैं कि भारत में मीडिया की भूमिका स्त्रियों को लेकर काफ़ी मजबूत है। लोकतंत्र का ये सशक्त खंभा जो है, मजबूत खंभा जो है, स्त्रियों के अलग अलग मुद्दे उठा रहा है। आपने कलेश्वर इशारा भी किया था कि बलात्कार के मुद्दे पर, निर्भया कांड के मुद्दे पर, ये मीडिया की ही बहुत बड़ी भूमिका है कि उसने जो है पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सभी लोगों को एक मंच पर ला के खड़ा कर दिया और सबने भाषा से, जाति से ऊपर उठ कर, वर्ण वर्ग के खांचे से ऊपर उठ कर सबकी आवाज़ मीडिया के ही माध्यम से पता लगता है कि कहां किस स्त्री के साथ क्या अत्याचार हुआ है, या क्या, जैसे मैं अबॉर्शन राइट्स की बात कर रही थी, ये मीडिया जो भी कुछ गलत हो रहा है उसको सामने तो रखता ही है ना। ये है कि अब जो कंजर्वेटिव मीडिया है उसका रुख और होगा और जो लिबरल मीडिया है उसका रुख और होगा, तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह के मीडिया से भी जुड़ते हैं। जैसे कि मैं किसी रिपब्लिकन स्टेशन को ज़्यादा नहीं सुनूंगी, मैं लिबरल चैनल पर जाऊंगी, लेकिन आप दोनों को भी देखते हैं और आपकी सोच में संतुलन तभी आता है कि लिबरल्स क्या कह रहे हैं और ये लोग क्या कह रहे हैं। तो मैं दोनों को सुनती हूँ और देखती हूँ कि किस तरह से उनके विचार हैं। और मीडिया जो है वो सब कुछ बाहर लाता है ना, और उसमें जो कुछ भी समाज में गलत हो रहा है उसको, मतलब मीडिया गलत भी बहुत करता है, फालतू की चीज़ों को भी सामने लाता है, लेकिन वहाँ का जो मीडिया है बहुत सशक्त है। अगर कुछ गलत होता है तो वो सामने आता है और आप उसके बारे में सोच सकते हैं, अपना ओपिनियन बना सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं फिर, है ना। और सक्रिय भी हैं वहाँ के लोग, बहुत वो चुपचाप बैठे नहीं रहते। अगर यहाँ तो पहली बार हुआ निर्भया वाला किस्सा, वरना अभी भी औरतों के बलात्कार होते रहते हैं और कुछ होता नहीं है, पुलिस नहीं सुनती। तो वहाँ पर तो एक जो नस्ली मसला हुआ कि कालों के साथ अनाचार का, तो वहाँ पे पूरे देश में उन्होंने मतलब अगेन मीडिया ने इस बात को सामने रखा और सारे देश में जो प्रदर्शन हुए अलग अलग राज्यों में पुलिस के खिलाफ, तो वहाँ का मीडिया बहुत सक्रिय है। अच्छा मैडम, आप ये बताइए, इन दिनों तो मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को कि मैडम ने इन दिनों अपनी 2015 में अपनी एक आत्मकथा भी लिखी है आरोह अवरोह शीर्षक से। क्योंकि मैं हिंदी और बांग्ला की स्त्री आत्मकथाओं पर भी काम कर रही हूँ, तो मैंने फिलहाल मैडम की आत्मकथा तो पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं पढ़ूंगी क्योंकि मुझे प्राप्त भी नहीं हो पाई है अभी तक। तो मैम, इन आत्मकथाओं को पढ़ते हुए मैंने एक चीज़ ये जो महसूस किया कि उसमें प्रभा प्रधान की एक आत्मकथा है अन्या से अनन्या, उस आत्मकथा को पढ़ते हुए मैं, उस आत्मकथा ने मुझे बहुत निराश किया। क्योंकि हम कहते हैं कि स्त्री की जब सशक्ति की बात करते हैं, स्त्री मजबूती की बात करते हैं, तो कहते हैं उसका आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहिए। वो प्रभा प्रधान जी आर्थिक रूप से भी सशक्त महिला रही हैं, व्यवसाय की दुनिया में उन्हें बहुत नाम कमाया, इंडिपेंडेंट जीने का हौसला रखती थी, सभी जगहों पर काफ़ी सशक्त थी, लेकिन पुरुष के मामले में वो इतनी निर्बल हो गई, तो वो मुझे जो है बहुत अखरता है। और जब मैंने उपन्यास पढ़ा तो मुझे शुरू से अंत तक ये चीज़ें मुझे बहुत निराश की कि स्त्री इतनी मजबूत होने के बावजूद एक पुरुष की छत्र छाया और विवाह के सनाम की संस्था को इतनी प्रायोरिटी क्यों दे रही है, और जब उसे लग रहा है कि वो उपेक्षित हैं, उपेक्षा की शिकार हो रही हैं, डॉक्टर शराब की पत्नी से वो उपेक्षित हो रही हैं, तो फिर क्यों उसी स्थिति को स्वीकार करने के लिए जो है अपना जीवन पूरा अर्पित कर देती हैं। तो ऐसा क्यों है कि इसे किसवीं सदी में भी हम एक ऐसी स्त्री को देखते हैं? देखिए, एक भावात्मक जगत भी होता है भारत का, और उसमें बहुत कुछ आपका सदियों से जमा हुआ
और जिस तरह से आपको बचपन में पाला गया, उन सबके असर होते हैं और उनसे वो भावात्मक और मनोवैज्ञानिक जगत बनता है। तो कई बार आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो जैसे प्रेम कहें या पूरी तरह से उसमें निष्णात हो जाना उसके प्रति अपनी भावनाओं में, और उसमें आदमी उसमें कुछ भी गलत सही नहीं होता, है ना। वो तो एक तरह से आप अपने प्रेम से विवश होकर कोई दिशा लेते हैं जो भी कुछ करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत उनका उनकी व्यक्तिगत बात है कि उनको कि उन्होंने एक व्यक्ति को इस तरह से पूरा जीवन दिया, अनेक तरह की उपेक्षाएं और चोटें सहकर भी, और एक तरह से उन चीज़ों का भी मैं सम्मान करती हूँ कि अब जैसे आप प्रेम कथाएं पढ़ती हैं सोनी महिवाल और हीर राजा, अब उनमें यही सब पढ़ती हैं कि अब प्यार ही है ना, जिसके मारे मर जाते हैं लोग एक दूसरे के लिए। तो अब यहाँ पर अगर उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से दे दिया एक व्यक्ति को, तो ये उसकी भावात्मक मजबूरी है। इसमें आप अपना स्त्री विमर्श ना ही लाइए तो अच्छी बात है। अरे हमें कालिदास का आचार्य एक दिन को कथन याद आता है मैम, कि जहाँ मल्लिका कहती है कि मैंने भावना में भावना को मरण किया है, तो लगता है प्रभा कदान जी की वो मतलब स्त्री को हम कहते हैं ना भावनात्मक रूप से मजबूत होना, तो इससे कहीं ना कहीं वो भावनात्मक मजबूती जो है अगर और भावनात्मक रूप से सशक्त हो जाती है तो शायद उसकी जिंदगी में और सुधार आ सकते हैं। और पर अगर कोई उसमें कष्ट नहीं महसूस करता, चाहे वो आप कह सकती हैं कि ब्रेन वॉश है उनकी, औरतों की ब्रेन वॉश रहती है, तो पर जमाना बदल रहा है। देखिए वो किस जमाने की थी, है ना, अब औरतें अपने प्रति ज्यादा सजग हैं मैम आज, पर ये बातें वहाँ भी होती हैं इसी तरह की कि कोई औरत क्योंकि भावात्मक तौर पर बहुत ज्यादा किसी पर निर्भर करती है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के भी वही है कि वो उसको छोड़ नहीं पाती, वायलेंस मारपीट खाने मार खाने के बावजूद उसको छोड़ नहीं पाती। मैंने इस पर भी एक उपन्यास लिखा है मोर्चे, जहाँ वो दोनों डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन भावात्मक निर्भरता भावात्मक मजबूरी की वजह से वो मार सहती है और छोड़ना उसके लिए मुश्किल होता है। तो ये स्थिति को लेकर के मोर्चे उपन्यास लिखा गया है। मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि आप उम्र के इस पड़ाव पर भी मतलब बहुत खूबसूरत भी हैं आप, और अपने आप को बहुत स्वस्थ रख पाए हैं, इसका क्या राज है? मतलब मुझे खूबसूरत मानती है तो ये मेरा सौभाग्य है, मुझे अच्छा लगेगा। तो खासतौर से उम्र के इस पड़ाव पर आकर शायद ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे ही लगते हैं, क्योंकि तुम सोचते हो कि तुमने सब खो दिया है। हाँ, कृष्णा शक्ति का एक उपन्यास है ना मैडम समय सरगम, जहाँ कहती है हर दिन एक आशीर्वाद है लिखती है, और जीव और उनकी जो पात्र है अरण्या, वो कहती है कि जीवन के इस पड़ाव अंतिम पड़ाव पे जहाँ लोग सोचते हैं कि अब जीवन में कुछ शेष नहीं बचा है, अब बस एक एक दिन करके हमें मौत का इंतजार करना है, लेकिन उस अंतिम पड़ाव में भी जीवन को एक एक दिन को वो बड़ी खूबसूरत ढंग से कृष्णा शक्ति जी ने लिखा है कि वो अंतिम पड़ाव में भी वो महिला जीवन को खुल कर जीती है और कहती है कि एक एक क्षण जो है मेरे लिए बहुत अहम है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि हम अपने जीवन को जीना भी बाद में सीखते हैं, जब जवान होते हैं तो वक्त यूं ही गुजर जाता है पता नहीं चलता, पर एक बार बड़ी उम्र में आके आपको हर जिंदगी का हर हिस्सा जो है वो हर पल जो है वो एक तरह से आपको लगता है इसको पूरी तरह जिया जाए, क्योंकि मालूम नहीं कि कौन सा पल आपका अंतिम पल होगा, तो एक तरह से वो जीने की और ताकत आती है। मैंने देखा है जैसे कि मेरी जो सास हैं वो 91 साल की हैं, और जब वो 60 साल की थी 60-65 की थी, तो हमेशा मरने मरने की बात करती थी कि मैं मरना उस भय की भी, और अब जो है उनको विश्वास हो गया है कि मैं जिंदा रहूँगी,
और क्योंकि वो एक तरह से पूरी देखभाल होती है इसलिए वो जी भी नहीं इतना, भारत में होती तो नहीं जी पाती, तो वहाँ देखभाल बड़ी अच्छी उनको लगातार मिलती रही है। तो अब मैं देख रही हूँ कि उनको जिंदगी से और लगाव होता जा रहा है ना, तो मेरे ख्याल से लगाव होता है क्योंकि आपको लगता है इतना कुछ है इसको भरपूर जी ले। मैम आज के समय में आप उन स्त्रियों के लिए कुछ संदेश देना चाहती हैं जो जीवन में और आगे बढ़ना चाहती हैं और आपकी तरह ही जीवन को बहुत सारी धाराओं में बात कर रहा पूरे सभी चीज़ों में सामंजस्य बैठाते हुए और विकास की यात्रा कैसे तय कर सकते हैं, तो उनके लिए जन मैं तो कहूँगी कि अपनी भीतर, आपके भीतर है सब कुछ, अपने भीतर की ताकत को पहचानिए और जो भी जीवन में आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो भी आप कर्म आप करना चाहती हैं उसे कीजिए। और मैं एक बात हमेशा मानती हूँ कि आप जो भी काम कीजिए पूरा मन लगा के, और इस तरह के काम कीजिए कि आप और किसी और को उससे कष्ट ना हो, किसी और का आप बुरा ना करें उसके माध्यम से, और अच्छे काम करते हुए अपनी जिंदगी को जिए, अपने आप का भी भला करें और दूसरों का भी भला करें, है ना। तो आत्म विकास करें और जो आपके दूसरे साथी हैं उनको भी आप सही संदेश दें, तो एक तरह से तब आपका भी जीवन सही होगा और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी एक सही जीवन पाएंगे। प्रोफेसर सुषम बेदी जी, जो कि एक स्त्री के रूप में, एक शिक्षिका के रूप में, एक अच्छी वक्ता के तौर पे, एक नायिका के तौर पे, एक अच्छी मनुष्य मने के तौर पे, हम अलग अलग पड़ावों पे अलग अलग ढंग से अपने जीवन की विकास यात्रा तय करते हुए जो है एक लंबा समय उन्होंने बिताया, और साहित्य को उन्होंने, साहित्य के प्रति जो उनका समर्पण और लगाव है उसको हम देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने साहित्य के प्रति लगाव, साहित्य में अपने अहम भूमिका की वजह से ही 2006 में दिल्ली साहित्य अकादमी सम्मान से भी सम्मानित हुई है, मैम उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के साहित्य सम्मान से भी सम्मानित हुई है, और जीवन में अभी भी उनकी सक्रियता बनी हुई है। भविष्य में जो है मैं कोशिश करूँगी कि शायद आपके सुझाए हुए जो विचार हैं उनको उनको अपने जीवन में शामिल कर करके उनकी ही तरह जो है दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनूं, क्योंकि मैडम जिस पड़ाव पर हैं वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। हम आमतौर पर एक ही जीवन जीते हैं और फिर जो है मर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे दिशाओं में बांध कर और बहुत सारे दिशाओं में खुद को बांट कर जीना और उस पर चलना बहुत मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है, ये हमने मैडम से सीखा। मैडम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे बातचीत कर पाऊँ और मुझसे सही में कि दुनिया के बारे में और स्त्रियों की अलग अलग जगहों में स्थिति के बारे में आपसे बहुत कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद।